खबर सागर से है, जहां राजनीतिक घराने से ताल्लुक रखने वाली एमबीए की छात्रा वैष्णवी सिंह ठाकुर सागर जिले की सबसे कम उम्र की सरपंच बनी है। सागर जनपद की ग्राम पंचायत बामौरा के लोगों ने गांव के विकास का उद्देश्य लेकर एक मंच पर बैठकर महज 23 साल की वैष्णवी को सरपंच और पंचायत के 10 वार्डों में सभी महिला पंचों को निर्विरोध चुना है। अब ग्राम पंचायत बामौरा की बागडोर एमबीए की छात्रा वैष्णवी और 10 महिला पंच संभालेंगी। निर्विरोध सरपंच चुनी गई वैष्णवी ने कहा कि गांव का विकास करना ही पहली प्राथमिकता है। बचपन से राजनीति देखते और सीखती आई हूं पढ़ाई की, लेकिन अब राजनीति में उतरकर गांव का विकास करूंगी। हर जरूरतमंद की मदद करूंगी। 5 साल में गांव को आदर्श ग्राम बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। निर्विरोध सरपंच चुनी गई वैष्णवी के पिता उत्तम सिंह ठाकुर होटल का संचालन करते हैं, वहीं दादा भूपेंद्र सिंह ठाकुर प्रदेश सरकार में नगरीय प्रशासन मंत्री हैं। वैष्णवी डॉक्टर हरसिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय से एमबीए की पढ़ाई कर रही है। इस साल उनका 4th सेमेस्टर शुरू होना है। वह ग्राम पंचायत की कमान संभालने के साथ ही अपनी पढ़ाई भी करेंगी। वैष्णवी कहती है कि मुझे और मेरे परिवार को किसी चीज की कमी नहीं है। शुरू से ही लोगों की मदद करना अच्छा लगता है। पढ़ाई करने के बाद मैं भी सागर से बाहर जाकर नौकरी कर सकती थी, लेकिन नौकरी के साथ गाँव की सेवा नहीं कर पाती, इसलिए परिवार के साथ बैठकर निर्णय लिया और बामौरा व जिंदा गाँव के लोगों के भरोसे को स्वीकार किया है। मैं गांव के लोगों का भरोसा टूटने नहीं दूंगी। गांव में हर घर में पानी पहुंचेगा, स्वच्छता, सड़क, शौचालय, हर काम होगा। सरकार की सभी योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा। महिला उत्थान और लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम करूंगी। जल संरक्षण पर जोर दिया जाएगा। ग्राम पंचायत के कार्यों को करने में प्रबंधन की पढ़ाई भी मददगार साबित होगी। ग्रामीणों ने सरकार की योजना और महिलाओं को आगे बढ़ाने को लेकर ग्राम पंचायत की कमान महिलाओं के हाथ में सौंपी है। बामौरा ग्राम पंचायत की करीब 2000 की आबादी है। इसमें ग्राम जिंदा भी लगता है। पंचायत क्षेत्र में करीब 1200 मतदाता हैं। निर्णय लिया गया सबकी सहमति से, गांव वासियों की सहमति से, कि हम निर्विरोध करेंगे और महिलाओं को पंच एवं सरपंच बनाएंगे। जी, हमारे गांव की प्राथमिकता तो यही है कि महिला सशक्तिकरण हो। जिस प्रकार हमारी पंच महिलाएं हैं, हम सरपंच बने हैं, तो ये हमारे गांव का स्वभाव बताता है कि हमारे गांव में क्या होना चाहिए। तो हमारा पहला उद्देश्य तो यही है कि महिला सशक्तिकरण हो, और दूसरा ये रहेगा कि गांव में जैसे PM जी और मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि स्वच्छता अभियान को बढ़ावा दिया, तो हम भी उसी के लिए अच्छे से अच्छा ड्रेनेज सिस्टम बनवाएंगे, पानी उपलब्ध कराएंगे, इलेक्ट्रिसिटी, हर घर सड़क, हर घर नल, कि ये सारी जो योजनाएँ निकालती है सरकार उसको पूर्णतः सम्पूर्ण करने के लिए हम गाँव में उनकी योजनाओं को चलाएँगे।